हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज अभी भी हैं वर्ल्ड में जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है और इंडिपेंडेंस के लिए या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कॉलोनियल रूल में ही खुश हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करने का आज का टॉपिक हमारा यही है कि रिसेंटली अभी हम लोगों ने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है और इसके लिए हम लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए। और हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि हमें सेल्फ गवर्नेंस का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का और बाकी चीज़ों की जो फ्रीडम है वो उनके एफर्ट के कारण मिल पाई। तो ऐसे ही चीज़ों को देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज जो हैं सो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टिल वेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए। तो इंडिया हमारा 15th ऑफ अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ और उसका स्ट्रगल तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, लगभग 150 साल का स्ट्रगल रहा। जबकि हम लोग ये भी जानते हैं कि 1857 हमारा जो है कंसीडर किया जाता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसके बाद टाइम एंड अगेन चलता रहा ये स्ट्रगल। 1886 में कांग्रेस का गठन हुआ, उसके बाद उनके एफर्ट्स से और बाकी बहुत सारे जो ऐसे फ्रीडम फाइटर लीडर्स थे, या वो सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत सारे ऐसे, बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये। तो हम लोगों को ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का और खुद को गवर्न करने का, ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो आज हम लोग इंजॉय कर पा रहे हैं, ये उनके एफर्ट का कारण है। लेकिन वर्ल्ड में अभी भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि इस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के पीपल इस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खुद ही, जब रेफरेंडम होता भी है, एक दो जगह पे ऐसा हुआ है कि रेफरेंडम हुआ है, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन वहाँ के पीपल उस चीज़ के अगेंस्ट में खुद ही वोट कर देते हैं। क्योंकि ये सारे कंट्रीज जो हैं, ये सारे जो रीजन्स हैं, टेरिटरीज हैं, वो बहुत ही स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, और उनके जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो शायद हम खुद को सस्टेन न कर पाए, इकोनॉमिकली वायबल न रह जाए। तो इन सब कारणों से भी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं यहाँ पर, जो बहुत सारे टेरिटरीज जो हैं सो कॉलोनियल रूल में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इसको हम खुद जो संभालेंगे वो बेहतर होगी। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो सबसे पहला है अमेरिकन समोआ। तो रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज़ में देखा भी था कि समोआ एक आइलैंड नेशन है जिसपे कि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था वहाँ पर एक पोर्ट डेवलप करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ और उसके बाद से वहाँ पर टग ऑफ वार हो रही थी पावर के लिए, तो ये समोआ जो हम लोग आइलैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक आइलैंड में यहाँ पर है, इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड में है, ये हम लोग देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। और यहाँ पर ये अमेरिकन समोआ और जो वो ओरिजिनल समोआ है, समोआ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है, सब एक ही जगह पे है। तो ये अमेरिकन समोआ, पहले पूरा समोआ ही यूएस के अंडर में था, लेकिन वहाँ पर से जो कुछ आइलैंड्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए। एक दो आइलैंड जो है अमेरिकन समोआ के, वो अभी भी अमेरिका के ही कंट्रोल में है। और इनका देखिए, ये जो टेरिटरी है ये अन इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि इसको किसी स्टेट का या किसी और तरह के रीजन का कोई स्टेटस नहीं है, जस्ट इसको यूएस गवर्न करती है और ये अनऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो लिस्ट है उसकी टेरिटरी की, उसमें भी इसका नाम नहीं मिलेगा और ना ही उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर उसका कोई डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि वो किस तरह का है। और यहाँ पे अभी तक, आज तक कोई रेफरेंडम भी नहीं हुआ है यहाँ पर, अमेरिका रेफरेंडम के पक्ष में ही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पर जो अमेरिका का कोई भी आर्म फोर्सेस बेस हो, नेवल बेस हो, कुछ भी हो, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हवाईन भी है, उसके आगे और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, फिर इधर भी कुछ आइलैंड्स हैं फिलीपींस के आसपास, जहाँ पर कि
यूएस का कंट्रोल है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस यूएस लूज करना ही नहीं चाहेगा, इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिलने की सवाल ही नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं अंगुइला, नाम थोड़ा अजीब है, ये भी एक आइलैंड नेशन है, मतलब टेरिटरी है, जो कि कंट्रोल में है यूनाइटेड किंगडम के, और इसका दर्जा है यूनाइटेड किंगडम के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ओवरसीज टेरिटरी का, यानी कि ये फुल फ्लेज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की, और ये ओवरसीज टेरिटरी है, और यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं ये कैरेबियन सी के रीजन में, यहाँ पर पोर्चोरिको के पास है, और यहाँ पर लगे हुए ही और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि ओवरसीज टेरिटरी हैं यूनाइटेड किंगडम के, और हम लोग वो लोग आगे मेरे लिस्ट में हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक दो बार रेफरेंडम भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रेफरेंडम होने के बाद लोगों ने ही वोट कर दिया कि हम लोग यूनाइटेड किंगडम के अंडर में ही, उसके कॉलोनियल रूल में ही रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसमें हम लोग देखेंगे, अगर ध्यान दें तो टोटल 17 ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि स्टिल कॉलोनियल रूल में हैं, लेकिन ये लिस्ट जो है यूएन चार्टर के हिसाब से है। जब यूएन बना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब डिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो 1961 में यूएन ने एक रिजोल्यूशन पास किया यूएन चार्टर के थ्रू, और वहां पर ये चीज कहा कि जितने भी ऐसे टेरिटरीज हैं जो कॉलोनियल रूल के अंडर में हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर सबमिट करनी, और उसके गवर्नेंस के, उसके क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ पर, कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट थी, उन सब के बारे में डिटेल्स यूएन जनरल असेंबली में इन्हें फाइल करना कंपलसरी है। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स देखें तो फिर यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, ये कुछ मेजर पावर्स हैं जो कि जनरली यहाँ पर ओवरसीज टेरिटरीज और कॉलोनियल टेरिटरीज अभी भी होल्ड करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बाकी के नेशंस वैसे नहीं है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट ऑफ डिकोलोनाइजेशन, जब डिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो लगभग 80 ऐसे कंट्रीज थे जो कि फ्रीडम अटेन की, इंडिपेंडेंट हुए, और उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो कि इंडिपेंडेंट हुए, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो इस डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस के शुरू होने के पहले ही इंडिपेंडेंट हो चुके थे, बट 80 ऐसे कंट्रीज थे लगभग जो कि डिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके, तो ये डिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस अगर हम लोग ध्यान दें तो लगभग 1985 तक चलता रहा, और तभी यहाँ पर इतने कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो पाए। अब यहाँ पर ये जो 17 टेरिटरीज ऐसे हैं, इसमें भी यूएन टाइम एंड अगेन ये चीज फोर्स करती है कि आप इनके ऊपर से भी अपना कंट्रोल हटाएं, इन्हें इंडिपेंडेंट करें, लेकिन जब रेफरेंडम होता है तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि वोट कर देते हैं कि हम कॉलोनियल रूल में ही रहना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज हैं जहाँ पर कि रेफरेंडम भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी टेरिटरी है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है बरमूडा। बरमूडा भी जो है वो यूनाइटेड किंगडम के ही अंडर में है, उसका भी स्टेटस जो है सेम है, जो ओवरसीज टेरिटरी है, और यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यहाँ पर ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर नजर आता है, और ये भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण यहाँ पर इसकी होल्ड यूनाइटेड किंगडम नहीं छोड़ पाती है, क्योंकि अगर हम लोग ये चीज ध्यान दें तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है, लंदन देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक में अगर यहाँ से कोई इशू होता है तो इन्हें अपना डिस्पैच भेजने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए बरमूडा हो गया, या फिर कैरेबियन आइलैंड में जैसा हम लोग देख रहे हैं कि अगुइला था, या और भी बहुत सारे हम लोग आगे टेरिटरीज देखेंगे, ये सारे पर इसीलिए यूनाइटेड किंगडम अपना होल्ड छोड़ना नहीं चाहता है। एक समय ऐसा था कि यूनाइटेड किंगडम लगभग इन सारे रीजन्स पे अपना होल्ड रखे हुए था, कंट्रोल करता था, जब स्लेव ट्रेड का सिचुएशन था और कॉलोनियल रूल अपने पीक पे थे। अब यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ये भी यहाँ पर देखिए कि अगुइला जो था उसी के पास, एकदम जस्ट पोर्टोरिको के पास ही है यहाँ पर, और ये भी यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है, और ये भी देख रहे हैं कि एकदम यहाँ पर कैरेबियन सी के पास ही है और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट टेरिटरी कौन सी है, तो नेक्स्ट टेरिटरी है केमेन आइलैंड्स। केमेन आइलैंड्स का नाम आप लोगों ने पहले भी बहुत बार सुना होगा,
ये कुछ हद तक ऑटोनोमस रीजन टाइप की है, हालांकि ये है यूनाइटेड किंगडम की ही ओवरसीज टेरिटरी, और यहाँ पर देख रहे हैं ये कैरेबियन सी में यहाँ पर साउथ वेस्ट ऑफ क्यूबा है। और इस रीजन का टाइम एंड अगेन न्यूज़ में होने का मेन रीजन ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक लॉज, जो फाइनेंशियल लॉज हैं, उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसके कारण कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी होल्डिंग और इलीगल ट्रांजेक्शन्स के केसेस देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद है फॉकलैंड आइलैंड। ये एक बहुत ही मेजर मुद्दा है बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड अर्जेंटीना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अर्जेंटीना है, और ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना, ईस्ट ऑफ अर्जेंटीना, यहाँ पर ये है फॉकलैंड आइलैंड टेराडेल्फ्यूगो के पास। अब ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का पूरा इस पे होल्ड है, यूनाइटेड किंगडम इस पे रूल करती है, इसको गवर्न करती है, लेकिन यहाँ पर अर्जेंटीना टाइम एंड अगेन इसे क्लेम करती है कि ये हमारी टेरिटरी है। इस पे मैं फिर से एक बार डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू है, जो कि टाइम एंड अगेन यूएन में भी उठाया जाता है, और इसी के कारण यहाँ पर देखा ये गया है कि यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में रिलेशंस सुधर नहीं पा रहे हैं। दो बार यहाँ पर रेफरेंडम हुआ, और दोनों बार यहाँ के लोगों ने, जो मतलब कि आउटकम आया वोटिंग का, रेफरेंडम का, उसमें लोगों ने वोट किया कि हम यूनाइटेड किंगडम के अंडर में ही रहना चाहते हैं, जिसे कि हर बार अर्जेंटीना ने ये कहकर नकार दिया कि ये रिग्ड था, इसमें धांधली हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी, ये फ्री एंड फेयर वोटिंग नहीं थी। तो ये डिस्प्यूट का मेजर कारण है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के पास है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट की जा सकती है, इसके कारण भी ये डिस्प्यूटेड है यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में। उसके बाद है यहाँ पर फ्रेंच पॉलिनेशिया। फ्रेंच पॉलिनेशिया यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी साउथ पैसिफिक में है, तीन आइलैंड का ये एक पूरा, तीन चार आइलैंड का ग्रुप है जो मेजर बड़े आइलैंड हैं, और यहाँ पर ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के लिए कारण ही फ्रांस यहाँ पर इसे कंट्रोल करता है। यहाँ पर इनकी आर्मी बेस भी है, मिलिट्री बेसेस भी हैं, और ये ओवरसीज कंट्री है फ्रांस की, यानी कि इसे फ्रांस एक तरह से अपनी ओवरसीज टेरिटरी बताता है, ये फ्रांस के कंप्लीट कंट्रोल में है, और यहाँ पर सारा कुछ जो नियम कानून है फ्रांस के हिसाब से ही लागू होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है यहाँ पर स्पेन के एक पेनिनसुलर रीजन में है, ये आप लोग देख रहे हैं जिब्राल्टर, और ये एकदम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो माउथ ऑफ एंट्रेंस ऑफ मेडिटेरेनियन सी है, वहां पे लोकेटेड है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और ये भी यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में है, लेकिन डिस्प्यूटेड है स्पेन के साथ। जब स्पेन में वार ऑफ सक्सेशन चल रही थी और उसमें यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस इन्वॉल्व हुई थी, तो उस समय वहां पर जब स्पेन हार गई थी, तो उसके बाद एज अ वार इंडिमनिटी, जो लड़ाई में खर्चे हुए उसके जुर्माने के तौर पर, यहाँ पर ये जिब्राल्टर का रीजन स्पेन को देना पड़ गया था, यूनाइटेड किंगडम को सीड करना पड़ गया था, और अब स्पेन ये कहती है कि ये हमारी पुरानी टेरिटरी है, जिसे कि जबरदस्ती ले लिया था यूनाइटेड किंगडम ने, और ये हमें वापस चाहिए। जब कॉलोनियल एरा चल रही थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्यूटा है, ये भी स्पेन की टेरिटरी है, और यहाँ पर स्पेन की टेरिटरी जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के इधर भी है, इधर भी है, और इसीलिए ये लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, और इसीलिए यूनाइटेड किंगडम इसे कंट्रोल करना चाहता है, और इसीलिए यूनाइटेड किंगडम साफ तौर पे कहता है कि स्पेन के उस समय की गवर्नमेंट ने, उस समय के किंग ने उसे खुद ही ट्रांसफर किया था यूनाइटेड किंगडम को, और इसीलिए अब कोई भी क्लेम स्पेन का जिब्राल्टर पे नहीं बचता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग गुआम। ये जो कंट्री है, ये जो टेरिटरी है, यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल्ड है, और ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के जो टेरिटरीज हैं, उसमें एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ओवरसीज टेरिटरीज हैं, जो भी कॉलोनियल टाइप के टेरिटरीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर में, उनके सारे का स्टेटस सेम ही है, वो अन इनकॉर्पोरेटेड अनऑर्गेनाइज टेरिटरी ही मिलेगी, सेम स्टेटस मिलेगा। और ये गुआम आप लोग देखिए, ये एकदम फिलीपींस के पास यहाँ पर है,
साउथ ऑफ जापान, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है अगर हम लोग कंसीडर करें चाइना को यहाँ पर, ताइवान के इशू को, हांगकांग के इशू को, और नॉर्थ कोरिया जो यहाँ पर ऊपर में है साउथ कोरिया के, इन सब इशूज को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाता है, और इसीलिए यहाँ पर ये कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगी यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये चाहे हम लोगों ने अभी जो पीछे देखा अमेरिकन समोआ या हवाईन आइलैंड है, इन सबको एक बेटर लिंक प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पर देखिए ये जो होनोलुलु हवाईन आइलैंड का है रीजन नॉर्थ अटलांटिक में, तो ये एक तरह से आपको स्टेज्ड मैनर में बेटर रिफ्यूलिंग का पॉइंट, बाकी के जो जरूरत की चीजें हैं, कंसाइनमेंट चाहिए अगर कोई वॉरशिप इधर से उधर ट्रेवल कर रही है पैसिफिक रीजन में, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये कंप्लीटली यूएस कंट्रोल टेरिटरी है, तो यहाँ पर ना तो कोई एग्रीमेंट की जरूरत है, ना किसी कंट्री को कोई कंसेशन देने की जरूरत है कि हाँ भाई हमारे जो वॉरशिप्स हैं अगर उधर ट्रेवल किए तो उनको जो भी जरूरत की चीजें हैं वो कहाँ से मुहैया होगी, और इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स इन सब टेरिटरीज का कंट्रोल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगा। उसके बाद है मॉन्टसेरेट, ये भी यूनाइटेड किंगडम कंट्रोल्ड कंट्री है। देखिए पहले क्या था कि यहाँ पर अगर ये क्यूबा का रीजन हम लोग देखें, ये पूरा कैरेबियन सी के जो आइलैंड रीजन देखें, तो इसमें मैक्सिमम टेरिटरी को जो कंट्रोल करती थी वो थी यूनाइटेड किंगडम, ये सारे ब्रिटिश टेरिटरीज थे, ओवरसीज टेरिटरी। अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये मोन्सेरेटा यहाँ इनकी का टेरिटरी है, वर्जिन ब्रिटिश आइलैंड इनकी कंट्री है, ओगुइला देखा था हमने उनकी टेरिटरी है, तो ये लाइन से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज हैं, यहाँ पर ये केमैन आइलैंड इनकी टेरिटरी। तो अभी भी अगर देखा जाए तो कैरेबियन सी रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ज़्यादा होल्ड है, और बहुत सारी टेरिटरीज स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजन। और एक टाइम पे कोल्ड वॉर एरा में जब क्यूबा ये बन गया था कम्युनिस्ट नेशन, तो उस समय कम्युनिज्म को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए, और ये सिर्फ क्यूबा की ही बात नहीं थी, क्यूबा के अलावा यहाँ पर वेनेजुएला में वही केस था, यहाँ पर कोलंबिया में यही केस था, तो इन सब चीजों के कारण यहाँ पर ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि कम्युनिज्म और ज़्यादा स्प्रेड आउट हो, और इसीलिए कम्युनिज्म को भी एक तरह से कर्टेल करने के लिए और अपना मिलिट्री प्रेजेंस इस रीजन में बनाए रखने के लिए भी यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर इस रीजन में अपना होल्ड रखना चाहती थी, और इसीलिए इन लोगों ने ये टेरिटरी रिटेन करके रखा और अब भी रिटेन कर रहे हैं। और अब के केसेस में ऐसा हो गया है कि कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे अगर रेफरेंडम हुई भी है तो वहां पर वोटिंग हो जाती है ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में, यूनाइटेड किंगडम के सपोर्ट में, और ये टेरिटरीज अब यहाँ के पीपल खुद ही उनसे अलग होना और इंडिपेंडेंट नेशंस बनना नहीं चाहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यू कैलिडोनिया पे। न्यू कैलिडोनिया फ्रेंच टेरिटरी है यहाँ पर, और ये सुई जेनरिस कलेक्टिविटी है। सुई जेनरिस का मतलब होता है कि अपने ही तरह का, एक मतलब अलग ही चीज है। सुई जेनरिस इसे इसलिए कहा जाता है कि अगर ओवरसीज टेरिटरी की बात करें फ्रांस की, तो लगभग 11 ओवरसीज टेरिटरी हैं, जिसमें से 5 का गवर्नेंस सिस्टम एक तरह का है, अदर 5 का एक सिस्टम है अलग तरह का, और एक जो है ये यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड है न्यू कैलिडोनिया, और ये भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसीलिए यहाँ पर ये फ्रेंच जो है यहाँ पर, क्योंकि देखिए पहले तो जो वॉर का कंडीशन था, जो सिचुएशन गड़बड़ रहती थी वो अटलांटिक में रहती थी, और उसके बाद धीरे धीरे अब पावर शिफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ, यानी कि पैसिफिक की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये लोग शुरू से ही बहुत पहले से ही बहुत सारे ओवरसीज टेरिटरी इस रीजन में, पैसिफिक रीजन में रिटेन करके इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना यहाँ पर थ्रीट है, एक टाइम पे यहाँ पर जापान भी इनके लिए थ्रीट था, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया,
ऊपर से रसिया का भी यहाँ पर टेरिटरी जो है कोस्ट है, लगता ही है पैसिफिक में। तो इन सब स्ट्रेटेजिक चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, ये लोगों ने ये बहुत सारे टेरिटरीज जो पहले कॉलोनियल रूल में थे इनके अंडर में, उन लोगों को इंडिपेंडेंस ग्रांट किया ही नहीं, अपनी कंट्रोल बनाए रखा इन लोगों ने। और इसी में यहाँ पर ये न्यू कैलिडोनिया भी है जो कि आप देख रहे हैं साउथ पैसिफिक रीजन में है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए पिटकेरिन, ठीक है, ये जो आइलैंड है इसके कई नाम हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं जापान और चाइना के बीच में, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। कुछ लोग उसे सेनकाकू आइलैंड कहते हैं, कुछ लोग उसे दियाऊ आइलैंड कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इस जो आइलैंड है यहाँ पर ये देख रहे हैं साउथ पैसिफिक में इस रीजन में है, और ये यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी, जैसा कि हमने कहा मोस्ट ऑफ द जो टेरिटरी ओवरसीज होल्ड करती है, जो अभी भी कॉलोनियल रूल में है यूनाइटेड किंगडम के अंडर में, उन सब की जो स्टेटस है वो एक ही तरह की है, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि ये साउथ एटलांट साउथ पैसिफिक में है, यहाँ पर चिली के कोस्ट के वेस्ट में, और यहाँ पर इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि सेंट हेलेना, एसेंशन और त्रिस्तन दे कुना, ये तीन डिफरेंट आइलैंड्स हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यहाँ पर साउथ अटलांटिक में। यहाँ पर आप देख रहे हैं असेंशन आइलैंड है, सेंट हेलेना है और त्रिस्तन दे कुना है। ये सारे आइलैंड जो हैं ये वोल्केनिक नेचर के हैं, जो यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, जो कंस्ट्रक्टिव जोन है यहाँ पर सी फ्लोर का, ओशन ओशनिक फ्लोर का, तो उनके थ्रू जो लावा एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो रहा है उसी के कारण यहाँ पर ये आइलैंड्स बने हैं, और ये आइलैंड्स कंट्रोल में है यूनाइटेड किंगडम में, ये इनकी ओवरसीज टेरिटरी है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों की कि ये असेंशन आइलैंड है, तो इसे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि पराग्वे जो है उसके कैपिटल का नाम भी असेंशन ही है। तो ये दोनों असेंशन आइलैंड और असेंशन कैपिटल ऑफ पराग्वे दोनों का नाम सिमिलर है, और इस पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि दोनों के स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये टोकुलाउ है, नाम थोड़े अजीब हैं, मुझे भी प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये टोकुलाउ जो आइलैंड है ये न्यूजीलैंड की टेरिटरी है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब पिक्चर में कॉलोनी, क्योंकि एक टाइम पे न्यूजीलैंड खुद कॉलोनी थी वेस्टर्न पावर्स की, और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे है, और नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि ये न्यूजीलैंड की टेरिटरी है। यहाँ पे भी दो बार रेफरेंडम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर दोनों बार रेफरेंडम में वोटिंग ये हुई कि हम लोग न्यूजीलैंड के साथ ही रहना चाहते हैं, और ये फुली कंट्रोल टेरिटरी है, ऐसा नहीं कोई ओवरसीज टेरिटरी और ऑटोनोमस रीजन है, वैसी कोई बात नहीं है, ये फुली कंट्रोल टेरिटरी है न्यूजीलैंड की, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी चीजें सारा कुछ लागू होता है न्यूजीलैंड का। अब यहाँ पर देखिए ये टर्क्स एंड कैसिकोस आइलैंड, ये यहाँ पर देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है, सेम इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि यहाँ पर हम लोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का देखते हैं, मोनसेरेटा का देखते हैं, केमन आइलैंड्स का देखते हैं, वैसा ही सेम यहाँ पर ये टर्क्स एंड कैसिकोस आइलैंड का है, और ये भी यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है, कैरेबियन सी के नॉर्थ में यहाँ पर लोकेटेड है, और ये डोमिनिका रिपब्लिक के नज़दीक में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा एक यहाँ पर नेशन टाइप का रीजन है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, जो कि फॉर्मरली यानी कि पहले कंट्रोल्ड थी स्पेन के द्वारा, स्पेन की ये कॉलोनी थी, और बाद में इसे यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि ये देख रहे हैं सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वेस्टर्न सहारा का ही एक नाम है, और यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जो कि इसे एज अ इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज भी करते हैं,
प्लस यहाँ पर ये मोरक्को है इसके नॉर्थ में, और बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज यहाँ पर हैं जो कि मोरक्को कंट्रोल करती है, वहां से इन्वेजन हो गया है और मोरक्को के कंट्रोल में इसकी बहुत सारी टेरिटरीज हैं। बहुत सारी टेरिटरीज यहाँ पर हैं जो कि इसके फाइटर्स हैं, सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के, वो लोग कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड है स्पेन के बीच में, मोरक्को के बीच में, और एक इंडिपेंडेंट मिलिटिया ग्रुप है, इंडिपेंडेंट फोर्स है, जिसे कि कुछ कंट्रीज रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि वो डी जूरे रूलर हैं, वो वहाँ के लीगल रूलर हैं, वहाँ पर उनकी अथॉरिटी होनी चाहिए वेस्टर्न सहारा में, और उनकी एम्बेसीज भी ऐसे कंट्रीज में है जो लोग इसे रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड, इसके पहले हमने देखा था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, अब है ये यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड, और ये भी यहाँ पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के जस्ट नीचे है। तो ये एक्चुअली ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं कंप्लीटली टोटल को कलेक्टिवली वर्जिन आइलैंड्स, और उसी में जो रीजन जो आइलैंड्स यहाँ पर रूल किए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा उसे कहते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, और जो आइलैंड्स जो कि साउथ में लोकेटेड हैं इस आइलैंड ग्रुप के उसे कंट्रोल करती है यूनाइटेड स्टेट्स, और उसे कहा जाता है यूएस वर्जिन आइलैंड्स। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है, बाकी अगर हम लोग देखें तो वर्जिन आइलैंड्स कलेक्टिवली एक ही जगह पे है, एक ही ग्रुप है जो कि यहाँ पर ईस्ट ऑफ डोमिनिका रिपब्लिक कैरेबियन सी में लोकेटेड है। तो ये था हमारा पूरा लिस्ट 17 कंट्रीज का, जो भी 17 टेरिटरीज का जो कि अभी भी स्टिल वेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, अगर इसके अलावा जो यूएन चार्टर के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं है उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हांगकांग भी है, यहाँ पर तिब्बत भी है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बलूचिस्तान भी है, और ऐसे बहुत सारे टेरिटरीज हैं जो कि स्टिल यहाँ पर चाहते हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंस मिले। लेकिन यहाँ पर जो यूएन चार्टर के रूल्स हैं किसी भी टेरिटरी को कॉलोनियल रूल के अंडर रिकॉग्नाइज करना, उसके क्राइटेरिया में ये लोग फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए इनका वहाँ पर लिस्टिंग नहीं किया गया। अदरवाइज ये लिस्ट देखा जाए तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उन्हें भी आप ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोज डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।